अभी प्रीवियस वीडियो में हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस किया ऑन रेट ऑफ रिएक्शन आरहेनियस ने भी यही जो थी वो कोशिश की उसने भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो था वो बताया हमें ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है इसने क्वांटिटी वाइज यानी कि बल्क में बताया कि इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज करने से रेट जो है इफ़ेक्ट होता है रेट कॉन्सटेंट जो है इफ़ेक्ट होता है ठीक है और उसने एक इक्वेशन की फॉर्म में हमें बताया एंड द इक्वेशन गिवन बाय द आरहेनियस इज नॉन एज आरहेनियस इक्वेशन दैट इज रेट कांस्टेंट के क्या है रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए ई टू रेजिस्टर माइनस ई ए अपॉन आर टी ये इक्वेशन को हम कहते हैं आरहेनियस इक्वेशन जिसमें सारी टर्म्स क्या हैं वो देखते हैं ये एक फैक्टर है ठीक है इट वाज गिवन बाय आर हेनियस अब हर साइंटिस्ट अपनी तरफ से एक फैक्टर जो है कांस्टेंट वैल्यूज जो है वो इनपुट करता है ठीक है तो ये एक्सपो ने उसने इसको नाम दिया प्री एक्सपोनशियल फैक्टर दैट इज ऑल्सो नोन एज अ फ्रिक्वेंसी फैक्टर ठीक है ई ए क्या है ई ए दैट इज एक्टिवेशनल एनर्जी ई ए इज़ अ एक्टिवेशनल एनर्जी आर इज अ गैस कॉन्स्टेंट और टी जो है ना इसमें इट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन कैलरी अब देखो ये जो टर्म है ना ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपन आर टी ये भी कुछ रिप्रेजेंट कर रही है देखो ई e ए अगर आर को आप ना देखो इट इज द कॉन्स्टेंट है ई ए अपॉन टी एक्टेशन एनर्जी पर टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ रहा है यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो रहा है तो इट इज़ एक्चुअली द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है तो ई e ए क्या है एक्टिवेशन एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो दिस फैक्टर रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है ये फैक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको एक्चुअली यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए या रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए तो अब हमने इस आरहेनिस इक्वेशन को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करना है इस इसमें से डिराइव करना है फॉर्मूला ताकि हम एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट कर सकें ठीक है तो ये इसको यूज़ करेंगे अब हम यहाँ पे नेचुरल लॉग लेके जो है ई एन को फाइंड आउट करेंगे ठीक है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स अगर यहाँ पे लॉग लेके हम चल रहे तो बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ के प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई रेस्ट्रोबा माइनस ई अपॉन आर टी ठीक है अब आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब हम लॉग लेते हैं साथ में एक्सपोनेंशियल भी होता है ठीक है ई पावर समथिंग होता है ठीक है तो ये लॉग और ई e जो होता है ना आपस आप में क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं तो ये यही ऐसा यहाँ पे हुआ है कि लॉग ई रेस्टो माइनस ई अपॉन आर टी है तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे आपस आप में कैंसल तो ये नीचे आ जाएगा तो माइनस है तो माइनस ई ई अपॉन आर टी ठीक है अच्छा एक तो यहाँ से हम देखो इससे भी फॉर्मूले से ई e ए निकाल सकते हैं इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर टू और इसमें आपको ना टेम्परेचर का इफेक्ट भी डिस्कस करने को आ सकता है या न्यूमेरिकल्स टेम्परेचर इफेक्ट कब डिस्कस करेंगे जब अलग अलग टेम्परेचर्स पे हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ठीक है तो इफ़ वी आर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स लाइक टी वन एंड टी टू तो दोनों टेम्परेचर्स में हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट भी क्या आएंगे डिफरेंट आएंगे ना के वन एंड के टू तो अब हमने क्या करना है इस इक्वेशन को यस एन लॉक के इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ ए हमने दो बार जो है, इसको लिखना है फर्स्ट टाइम ऑफ टी वन एंड के वन से टू पे टी है वहां कर देंगे तो इसवेशन इस को मैं वी एम रीराइटिंग दिस इक्वेशन बस वही लिखा है मैंने सिर्फ एक बार इन टर्म्स ऑफ के वन एंड टी वन और एक बार इन टर्म्स ऑफ के टू एंड टी टू ठीक है दो बार लिख दिया अब आपने इसी को यूज़ करके फॉर्मूला डिराइव करना तो हमने क्या किया इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया फोर को थ्री से क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आएगा लॉग ऑफ के टू इन दोनों को किया जब लॉग ऑफ के टू माइनस लॉग ऑफ के वन इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास लॉग ऑफ ए माइनस ई अपॉन आर टी टू माइनस लॉग ऑफ ए आगे माइनस माइनस प्लस हो गया ई अपॉन आर टी टू लॉग ए से लॉग ए कट जाएगा नीचे क्या रह गया यहाँ पे ई अपॉन आर ई अपन आर कॉमन है तो पॉजिटिव वाला ले लो बाहर ई अपॉन आर अंदर आ गया वन अपॉन ये देखो टी टू माइनस वन अपॉन टी वन ठीक है तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा ये वन है यहाँ पे वन आएगा ठीक है ये ये आर टी वन है बच्चे ठीक है तो ई अपॉन आर कॉमन आ गया अब अंदर क्या आएगा वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू ठीक है और यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे टी वन इंटू टी टू का तो ऊपर टी टू माइनस टी वन आ जाएगा ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल आएंगे इसके बेस पे हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया लॉग ऑफ के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू दिस और अगर आपको पता है व्हेन वी हैव टू रिमूव द नेचुरल लॉग वी सिंपली मल्टीप्लाई बाय टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री जब आपने नेचुरल लॉग यहाँ पे रिमूव किया सिंपल लॉग लिखा है ठीक है तो आपने यहाँ पे टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लिखा होगा तो वो हम नीचे लेंगे ठीक है लॉग ऑफ के टू अपॉन के वन इक्वल टू ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू आर ब्रैकेट में टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू ठीक है तो आपको न्यूमेरिकल्स में टेम्परेचर्स गिवन होंगे दो अलग अलग रेड कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ भी आपको पता होती हैं रिट इज़ अ गैस कॉन्स्टेंट ठीक है तो अगर आ, कई बार आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालने को आती है ठीक है तो आपके पास ये वैल्यूज गिवन होंगी या कई बार एक्टिवेशन एनर्जी गिवन होगी आपको रेट कांस्टेंट निकालने को आएंगे तो आपको ये गिवन होगा आपने पुट करके क्या निकालना है रेट कांस्टेंट निकालने हैं ठीक है थीके? तो ये भी एक आरहेनियस के द्वारा जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था ताकि हम पता लगा पाएं कि वट इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्लियर